हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 रीजनिंग क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 23rd और 24th को एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 का पेपर हुआ, उसमें रीजनिंग से कुछ सवाल पूछे गए, वही सवाल हम आपके लिए लेकर आए। ये उस सीरीज का Part-3 है। ऑलरेडी दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके वो पार्ट देखिए, वहां पर और भी अलग अलग टाइप के जो आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में सवाल पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। लास्ट सेशन के बारे में मैं एक छोटा सा नोटिस स्टार्ट करने से पहले देना चाहूंगा। फर्स्ट से लेकर थर्ड तक लास्ट पार्ट में जहां पर हमने डायरेक्शन सेंस के जो सवाल पूछे गए थे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में वो डिस्कस किए थे, क्वेश्चन एकदम करेक्ट था, पर सॉल्यूशन में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। ईस्ट को मैंने वेस्ट ले लिया था जिसके कारण पूरा सवाल का जो सॉल्यूशन है वो गलत है। तो सॉल्यूशन पे आप फोकस मत कीजिएगा, सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है, खुद से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन सेंस को छोड़ के बाकी बचे हुए सभी सवाल सही है, सॉल्यूशंस भी एकदम करेक्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा नोट उससे रिलेटेड देना चाहता था, और वो नोट मैंने कमेंट सेक्शन में भी एज ए अनाउंसमेंट आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के सेशन पे। जैसे कि मैंने बोला कि ये Part-3 रहेगा जिसमें कुछ सवाल जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस 1 to 5, 1 से लेके 5 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। क्लियरली आपको देख के पता चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, स्पेशली लाइन अरेंजमेंट का, डबल रो वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 12 persons sitting in 2 rows. तो डबल रो का, जैसे कि मैंने बताया था, डबल रो का सवाल है। किस तरह से बनेगा डबल रो का सवाल है। बहुत ही कॉमन सवाल रहे हैं ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में। सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादातर जो सवाल है, जो ज्यादा सवाल जो पूछे गए वो लाइन अरेंजमेंट से पूछे गए। सर्कुलर से भी पूछे गए पर उस पे इतने सारे सवाल नहीं थे। इसमें जैसे कि आपको एक पूरा पैरा दिया हुआ है उस पे बेस 5 सवाल पूछे गए, जो बहुत रेयर रहा इस बार एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो डबल क्या बता रखा है, 12% सिटिंग इन 2 रोज। 2 रोज आपको दी हुई है, इसको मान लेते हैं रो 1। कितने जने हैं टोटल, 12% है, तो एक रो में कितने बैठ रहे हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते, 6, इसको बोल देते हैं रो 1। ये आपका रो 1 रहेगी। और ये फेस किस तरफ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो इसको एक बार रो 2 बोलते हैं, क्योंकि रो 1 के लिए हमारे पास ऊपर जगह नहीं बचेगी, इसलिए रो 1 नीचे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सब एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, ये आपका रो 1 है। ऊपर मैंने रो 2 बना दी थी, क्यों रो 1 नीचे बनाएंगे, क्योंकि ऊपर फिर जगह नहीं बचती। ठीक है, रो 1 किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, आपको क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, कौन कौन जने बैठे हुए, ए डी ई एफ के एल एम, तो पहले लिख लीजिए नीचे डी ई एफ के एल और एम। ये 6 लोग रो 1 में बैठे हुए हैं जो फेस किस तरफ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। अब फेसिंग किस तरफ है उससे काफी फर्क पड़ता है, आपको ऑलरेडी पता है। एस टी यू एक्स वाई एंड जेड सिटिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ। अभी ये किस तरफ फेस कर रहे हैं, ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। और कौन कौन है, एस टी यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये 6 लोग रो 2 में बैठे हैं और फेस किस तरफ कर रहे हैं, साउथ की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग में क्या फर्क रहता है जब हम डायरेक्शंस फॉलो करेंगे। जब भी कोई साउथ फेसिंग पर्सन के बारे में बताएंगे और उसकी डायरेक्शन बोली जाएगी कि ये लेफ्ट में या राइट में, तो जस्ट अपोजिट हमें अज्यूम करनी है, क्योंकि हम जिस पर्सपेक्टिव से सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है। और जब भी आपको साउथ फेसिंग वाले किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग आपको कोई डायरेक्शन दी जाए तो उसे जस्ट अपोजिट लेना है। जैसे किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग आपको बोला जाए कि ये राइट में है तो हमें ट्रीट करना है कि वो लेफ्ट में, किसी का भी लेफ्ट बोला जाए तो आपको क्या मानना है, राइट मानना है। पर नॉर्थ के लिए जो डायरेक्शन दी गई है वही फॉलो करनी है, साउथ वाले केसेस में अपोजिट करनी है। क्यों, स्टार्टिंग में मैंने बताया था हम जिस पर्सपेक्टिव से सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा नॉर्थ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग हमारे लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, जैसे जैसे मैं सवाल सॉल्व करूंगा आपको समझ आएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्ट कीजिए। ई सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ई कहां पर है, रो 1 में, कहां पर सिट कर रहा है, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स कौन कौन से हैं, एक तो ये आपका एक्सट्रीम एंड होगा और एक ये आपका एक्सट्रीम होगा, तो इससे थर्ड क्या होगा, यहां पर, और इससे थर्ड क्या होगा,
यहां पर। तो दो केस मान के चलते हैं, एक टाइम जब ई यहां पर हो और एक टाइम ई जब यहां पर हो, क्योंकि एक्सट्रीम एंड बताया कौन सा एक्सट्रीम एंड है, लेफ्ट है या राइट है ये नहीं बताया, तो दोनों केस लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ई। अब दो केसेस बनेंगे, एक बार जब ई यहां हो एक बार ये, तो दोनों केसेस लेंगे। जब ई यहां हो ये वाला केस लेते हैं, इसके अपोजिट क्या है, ये रहा वन हु फेसेस ई। एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन, सेकेंड टू द लेफ्ट। अब इस रो में आ चुके हैं, रो टू में आ चुके हैं। रो टू किस तरफ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग के लिए हमने क्या बोली थी, जो भी डायरेक्शन दे उससे जस्ट अपोजिट, मतलब लेफ्ट दिया है तो राइट मानना है, राइट दिया गया है तो क्या मानना है, लेफ्ट मानना है। तो हमें क्या बोला था, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो हमें क्या मानना है, सेकेंड टू द राइट। तो इसके सेकेंड राइट क्या होगा, एक दो, यहां पर कौन बैठेगा, एस बैठेगा। तो एस को कहां बिठा दीजिए, ऊपर करके बिठा दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला केस हम ले रहे हैं, बाहर वाला। ठीक है, अब ई जब इस तरफ फेस कर रहा हो तब का केस ले लेते हैं, जस्ट अपोजिट ये सेकेंड राइट, एक दो ये वाला केस। ठीक है, तो दोनों केस साथ में लेखते हुए चल रहे हैं। देख लिया हमने कैसे लेफ्ट को हमने राइट माना, क्यों माना, क्योंकि रो टू से रो टू से रिलेटेड था, और रो टू किस तरफ फेस कर रही है, साउथ की तरफ फेस कर रही है, तो लेफ्ट को हमें राइट मानना पड़ेगा और राइट को लेफ्ट फॉर ओनली रो टू। रो वन के लिए जैसे बताया गया वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी। तो दोनों केसेस के लिए ले लीजिए, इसके लिए लेते हैं एक दो तीन, तो यहां पर टी आ जाएगा, एक दो तीन तो यहां पर टी आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली दोनों केसेस का साथ साथ लेके चल रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिससे कि एक केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा और रिमेनिंग केस आपका ट्रू केस बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। के सिट्स समवेयर राइट ऑफ एम, के कहां बैठता है, राइट ऑफ एम। तो अभी इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि क्लियरली हमें पता नहीं है, फालतू में और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसको आप होल्ड कीजिए, इसे एंड में हम फर्स्ट से आएंगे, इसको देखेंगे कि किस तरह हमारी पूरी इक्वेशन में फिट बैठता है। मोर देन थ्री पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स और टी के बीच में तीन लोग बैठ सकते हैं, तो टी यहां पर है तो एक्स जरूर इस तरफ ही होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में। तो मोर देन थ्री मतलब फोर, एक दो तीन चार, और एक्स कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला केस में देखते हैं, एक दो तीन, अब इस केस में ऐसा कोई केस नहीं बन रहा जिसमें एक्स और टी के बीच में तीन से ज्यादा लोग बैठ सके, क्योंकि एस तो पहले से ही एक्सट्रीम एंड पे है, एस की जगह तो आ नहीं सकता, आ भी जाए तो भी तीन ही लोग फिट होते हैं, हमें कितने चाहिए, तीन से ज्यादा, मतलब कम से कम चार जने, और चार जनों वाला कोई केस आप बना नहीं पाएंगे, तो नीचे वाला केस, मतलब कौन से नीचे वाला केस, कि जब ई यहां पर हो, ये वाला केस हमारा कैंसिल हो चुका है, सिर्फ एक केस बचा है ऊपर वाला, जब इस एक्सट्रीम एंड से हमने थर्ड लिया, ई को एक दो तीन लिया। ठीक है, टी एस एक्स, आगे बढ़ेंगे, आगे अरेंज करते हुए चलेंगे। एफ फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, टी का इमीडिएट नेबर कौन है, सिर्फ यही है, और इसको कौन फेस कर रहा है, एफ फेस कर रहा है, तो एफ को आप मार कर दीजिए यहां पे, बिल्कुल एफ सेट हो गया। जेड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, अब जेड कहां है, ऊपर है, ऊपर मतलब रो टू में राइट को क्या मानेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या मानेंगे, राइट, क्यों, क्योंकि साउथ फेसिंग है। तो देखते हैं, जेड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, जेड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, राइट को क्या लिख लेंगे, लेफ्ट मान के। ठीक है, जेड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई को यहां कर दो, एक दो, यहां पर आपका जेड फिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब सारे के सारे पर्सन सेट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा, यू, तो यू ऑटोमेटिकली जो वेकेंट स्पेस होगा वहां पर आ जाएगा। तो आपकी रो टू तो कंप्लीट हो चुकी है, ये रही आपकी रो टू, आराम से बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नीचे वाली रो के लिए देखते हैं। द वन हु फेसेस एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड डी फेसेस एस, डी एस को फेस कर रहा है तो डी ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। ठीक है, द वन हु फेसेस एल, एल को कौन फेस कर रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू से थर्ड लेफ्ट, मतलब थर्ड लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि U कहां पर है, रो टू में, और रो टू कहां फेस कर रहा है, साउथ में, तो साउथ को अगर फेस कर रहा है तो हम इसको अपोजिट लेंगे, तो थर्ड राइट ऑफ U, एक दो तीन, थर्ड राइट ऑफ U क्या रहा है, X, इसका मतलब X क्या फेस कर रहा है, किसको फेस करेगा, L को फेस करेगा, तो L आपका ऑलरेडी आ चुका है, D सेट हो चुका है। अब सारी इंफॉर्मेशन बची है, दो वेकेंट स्पेसेस बचे हैं, और एक इंफॉर्मेशन हमने होल्ड की थी स्टार्टिंग में, जिसको मैंने अंडरलाइन कर लिया था, क्या, K sits somewhere right of M, के कहां बैठेगा, राइट ऑफ एम,
तो M को इधर ही आना पड़ेगा, तभी राइट में कोई जगह बच रही है, और वो जगह पे कौन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, K। तो आपकी रो वन भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल करें, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस के को कौन फेस कर रहा है, वाई, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ M, इमीडिएट नेबर ऑफ M कौन है, F, F को कौन फेस कर रहा है, Z, तो Z मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव फ्रॉम अ ग्रुप विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। काफी कॉमन तरह के सवाल है, अलग अलग टाइप में, हर तरह के, चाहे आप सीटिंग अरेंजमेंट हो या और भी कोई सवाल, उनमें इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। पांच ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पांच में से चार एक सर्टेन रिलेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि TE को देखेंगे हम, TE जस्ट क्रॉस करके आ रहा है, TE, UD, U क्रॉस करके नेक्स्ट एक छोड़ के D बिल्कुल बैठ रहा है, YL देख लेते हैं, Y एक छोड़ के L बिल्कुल बैठ रहा है, ZE, ZD देख लेते हैं, सॉरी Z कहां पर है, ये रहा Z, ओके, Z एक छोड़ के नहीं आ रहा, जस्ट क्रॉस में आ रहा है, जस्ट क्रॉस में, अभी तक हमने देखा था एक छोड़ के फिर क्रॉस में था, पर ZD कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, ZK बिल्कुल एक छोड़ के वाला कर रहा है, कौन सा था, ZE आपका एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा था, एक छोड़ के नहीं डायरेक्ट क्रॉस में आ रहा था, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑड वन आउट है। आगे देखेंगे, फोर्थ सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई क्या होगा देख लेते हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई मतलब इमीडिएट राइट ऑफ वाई, तो इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, एस, एस के अपोजिट क्या है, डी, तो डी कहां पर है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ का ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन डी, सेकेंड का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए था शायद, इमीडिएट नेबर ऑफ एम कौन था, वो इमीडिएट नेबर ऑफ एम किसको फेस कर रहा था, इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस कर रहा था जेड को, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका आंसर था, और फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में ऑप्शन डी था। एक सवाल और बचा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड डी, एम और डी के बीच में कितने जने बैठ रहे हैं, जल्दी देखिए, एम ये रहा, डी ये रहा, कितने जने आ रहे हैं, एक दो तीन, तो थ्री आपका आंसर हो जाएगा, थ्री कहां पर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पांच सवाल हमने अभी सिटिंग अरेंजमेंट की, कौन से डबल अरेंजमेंट का सवाल था, डबल लाइन अरेंजमेंट का, बहुत इजी सवाल था, दो केस थे वो लेके आगे बढ़े, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन क्रॉस करते गए एक इंफॉर्मेशन आई जहां पर एक केस आपका एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक केस जो ट्रू केस था वो बचा, और हमने धीरे धीरे करके दोनों रोज को फिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फाइव पीपल ए बी सी एक्स वाई लिव ऑन फाइव डिफरेंट फ्लोर, तो पांच फ्लोर बना लो, एक दो तीन चार पांच, पांच फ्लोर है, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको 1, 2, 3, 4 और 5, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर नंबर 6, ठीक है, देर आर थ्री फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में तीन फ्लोर है, एक दो तीन, तो सबसे पहले ए और बी को नीचे रखते हैं, ए और बी के बीच में कितने फ्लोर है, देर आर थ्री फ्लोर बिटवीन एक दो तीन, तो दो ही जगह बचती है, या तो इधर आए ए या इधर आए, यहां भी आए या यहां आए, तो दोनों कैसे ले लेते हैं, जब बी यहां हो और जब ए यहां हो तो ऑटोमेटिकली ए यहां होगा और बी यहां होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्स लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव वाई, एक्स वाई से ऊपर रहेगा, तो वाई यहां भी रह सकता है, अगर वाई यहां है तो एक्स या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां तो पहले से ए या बी में से सेट है, अब दूसरा तब होगा जब वाई यहां हो, तब का एक्स आपका ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, जेड भी हो सकता है क्योंकि जेड आपका एक और बच गया है, तो जेड यहां पे आ सकता है, यहां पर भी जेड आ सकता है और यहां पर भी जेड आ सकता है, तो इस तरह से आपका पूरा केस बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे ये बन रहा है आपका। पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर के कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली बताने का इनमें से कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND, ऑप्शन ए, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सातवां और फाइनल सवाल देखेंगे, जल्दी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इनमें से, तो देख लेते हैं, AB3, तो B क्या होता है 2, 2 प्लस 1 3, CE6, E क्या होता है 5, 5 प्लस 1 6, उसी तरीके से FI10, I क्या होता है 9, 9 प्लस 1 10, JN 15, N क्या होता है 14, 14 प्लस 1 15, तो क्लियरली क्या होगा कि जो सेकेंड है सेकेंड में एड वन करते ही आपका आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सी OT 21। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी क्या होता है 20, 20 प्लस 1 क्या होगा 21, जो ऊपर हमने पैटर्न देखा है।
Now that's all for today's session. Have a nice day.